मनुष्य के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, एक से एक बढ़कर जटिल समस्याएं आती हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे संतान का भविष्य क्या होगा, क्या मेरा ऋण चुक पाएगा, क्या मैं भविष्य में अपना इच्छित लक्ष्य पा पाऊंगा। परंतु एक बात बताइए, क्या वास्तव में ये कठिनाइयां, ये समस्याएं इतनी जटिल हैं? क्या इनमें इतनी शक्ति है कि ये आपका मार्ग रोक सके? क्या इनका उत्तर पाना इतना जटिल है? नहीं, तनिक शांत मन से विचारिए, कई बार उत्तर इतना जटिल नहीं होता जितना कि प्रश्न। वास्तविकता में आपके मन में जो प्रश्न है वो जटिल है, किंतु उत्तर तो बड़ा सरल है, और वो उत्तर है कर्म। कर्म कीजिए और धीरे धीरे आपके मन में जटिल प्रश्न और आपके मन की जटिलता दोनों ही समाप्त हो जाएगी। ये च कृष्ण गुणास्वितः पांडवेषु च ये गुणाः अभिमन्यु हेत, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था मुझे इसकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। इसके प्राण अभी नहीं लेने हैं। सूर्यास्त नहीं हुआ है, सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त के पश्चात आकाश का रंग काला नहीं, रक्त का लाल होगा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। बधाई हो, आज तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आज पांडवों को वो हानि पहुंची है जिससे वो जीवन भर उभर नहीं पाएंगे। मामा श्री, इन पांडवों के मुख पर मुझे प्रतिदिन यही भाव चाहिए। मंतव्य पूर्ण हुआ, अब शीघ्रता से गंतव्य की तरफ चलो। चलो
मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया जिसके लिए मैं क्षमा भी नहीं मांग सकता। पता है दुष्ट, मेरे लिए सबसे बड़ा दंड क्या होगा? जो मैं अपने प्रिय शिष्य से कभी दृष्टि न मिला पाऊंगा। वो शिष्य जो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है, अर्जुन। गति बढ़ाइए माता। गति कितनी भी बढ़ा लीजिए काकाश्री, कोई लाभ नहीं, क्योंकि कोई भी रथ समय में उल्टा नहीं जा सकता। वासुदेव, अब तक मैं सब कुछ देख रहा था, परंतु अब रहा नहीं गया। प्रभु, मेरे मन में कुछ संदेह है। मेरी मृत्यु धर्म स्थापना के लिए आवश्यक थी, परंतु क्या उस वीर का अंत भी आवश्यक था? क्या आप उसे टाल नहीं सकते थे? ईश्वर भी समय से परे कहां है बारबरीक। परंतु ईश्वर स्वयं समय भी है ना? किंतु ये समय ना प्रश्न करने का है और ना ही अवसर उत्तर देने का। सूर्यास्त हो जाए तो भी विलाप नहीं किया जाता, उसकी आरती की जाती है। आज आपके प्रिय शिष्य के पुत्र ने आपके द्वारा दी गई शिक्षा को सार्थक कर दिया, जो आपने अर्जुन को दी। और अर्जुन ने अभिमन्यु को आज हम सबके मन भरे हुए हैं, परंतु कांधे ऊंचे। और अब हम में से कोई नहीं रोएगा। क्योंकि अभिमन्यु की यही अंतिम इच्छा थी। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं माधव, बताइए मुझे किस वीर का अंत हुआ है? युद्ध बलिदान मांगता है पार्थ, और युद्ध में केवल एक वीर ही वीर गति प्राप्त करता है। नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है माता, मुझे सत्य जानना है। क्या हुआ है युद्ध भूमि में? क्यों आप सुशर्मा के साथ युद्ध में इतने व्यतीत थे? क्यों मेरा मन इतना अशांत है? क्यों मैं भय से इतना कांप रहा हूं? क्या ये सभी संकेत किसी अपने की मृत्यु का भान करा रहे हैं? जब तुम्हें सत्य का भान हो चुका है पार्थ, तो क्यों तुम मुझसे असत्य बुलवाना चाहते हो? अभिमन्यु,
ये रक्त हाथ से जा क्यों ले रहा? ये रक्त हाथ से जा क्यों ले रहा? ये रक्त मेरे हाथ से नहीं जा रहा। क्या ये सत्य है कि मेरा पुत्र अभिमन्यु? कर्ण, क्या ये सत्य है? आज अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई, आज धर्म और करुणा की मृत्यु हुई है। नीति और चेतना ने मौन साधा है। आज इतिहास से ना अभिमन्यु की शौर्य गाथा कभी लुप्त होगी और ना ही कौरवों के माथे से इस पाप का कलंक जाएगा। अभिमन्यु का मृत्यु वाण हम सबके चरित्र को छलनी कर चुका है। मत राज माता, मत रोई है आप। आपके अभिमन्यु के अंतिम समय में उसके मुख पर विजय की मुस्कान थी। मेरी आपसे विनती है, मेरी एक विनती स्वीकार लीजिए। आज आप राजमाता नहीं, अपने पुत्रों की माता होने का धर्म निभाइए। आपके पुत्रों का आपकी आवश्यकता है। आप पांडवों का विलाप रोकिए और मैं अपने पाप का पश्चाताप करूंगा। अभिमन्यु का शव उठाइए सम्राट, सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार करना है। जिसे कंधे पर बिठाकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाना था, उसे कंधे पर लिटाकर चिता तक कैसे लिया जाएगा? कैसे? क्या उत्तर दूंगा मैं पांचाली को कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा? कैसे समझाऊंगा मैं उत्तरा को कि उसका पुत्र अपने पिता का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा? क्या कहूंगा मैं अर्जुन को कि उसके भाई उसके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए? Thank you.
कृष्णे गुणास्वितः। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पिताश्री कि युद्ध भूमि में आपकी कमी शत्रु को अनुभव नहीं होगी। जब आप सुशर्मा का नाश करेंगे तो आपके पुत्र के शौर्य की कीर्ति आपका स्वागत करेंगे। आशीर्वाद दीजिए मामाश्री कि मैं विजयश्री प्राप्त कर लूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अभेद्य चक्रव्यूह को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने दुर्योधन के अहंकार को भेदा। मैंने सुना कि किस प्रकार तुमने अपनी माता के अपमान का प्रतिकार किया। तुम सुन रहे हो? मैंने सुना। मैंने चक्रव्यूह को भेदने की क्यों नहीं सुने? अगर आज सुनाई होती ना तो मेरा एक रोता हुआ पुत्र अपने पिता के समक्ष एक योद्धा बनकर प्रस्तुत होता है तो उसके पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है। बात और जब एक योद्धा पिता अपने वीर पुत्र के समक्ष रोता है तो वो पुत्र के लिए बड़े अपमान की बात होती है। बात मेरे भांजे अभिमन्यु का अपमान मत करो पार्थ। आज अभिमन्यु जो बन गया है वो कोई योद्धा नहीं बन पाता।
आज वो विजेता नहीं, एक महान, एक वीर, शूरवीर योद्धा बना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.